होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, ठीक है। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोग के क्लास के लिए। तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म, ये सब अभी हम लोग इसका देखने वाले हैं। अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट दोज कैरेक्टर दैट इनेबल ए प्लांट to avoid, tolerate or recover from attack of insect under condition that would cause greater injury to other plant of the species। मतलब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट क्या है कि एक ऐसा कंडीशन ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट को इंसेक्ट के अटैक होने से प्रोटेक्ट करता है उसी को होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। Those heritable characteristic possessed by the plant which influenced the ultimate degree of damage done by insect, ठीक है। तो heritable character मतलब उसके genetic character, plant का genetic character जो कि plant को damage होने से बचा रहा है। जैसे किसी भी plant है उसमें कांटा है, ठीक है, तो उनसे इंसेक्ट नहीं आएगा, तो ये क्या उसका हेरिटेबल करेक्टर है कि उसको डैमेज होने से बचा रहा है, ठीक है। जिसमें अगर बोला जाए तो ये हो गया डेफिनेशन तुम्हारा होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट का, HPR। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, किस तरह के रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह के होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट, कि वो उसको डैमेज होने से बचाए रेजिस्टेंट, ठीक है। अब है इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट और सूडो रेजिस्टेंट। एपरेंट रेजिस्टेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिटरी कैरेक्टर इन पोटेंशियली ससेप्टिबल होस्ट प्लांट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अगर एपरेंट इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट मतलब कि रेजिस्टेंट रिजल्टिंग ट्रांजिट, मतलब ऐसा करेक्टर जो इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से रेजिस्टेंट पहुंचा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट, ठीक है। जैसे किसी भी लीफ में वैक्स कोटिंग ज़्यादा होना, ठीक है, वो वैक्स क्या होता है तो ज़्यादा वेपर को प्रेशर आए मतलब इवेपोरेट कम होने देता है, तो उससे क्या है वाटर लॉस या ड्राउट के समय वो उसको बचा रहा है ना। तो ये इस तरह का कैरेक्टर जो इकोलॉजी से बचा रहा है वो हो गया इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट। उसके बाद है होस्ट इवेशन, ठीक है। होस्ट इवेशन क्या है, होस्ट में भी पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टिबल स्टेज क्विकली और एट द टाइम व्हेन इंसेक्ट आर लेस और इवेड इंजरी बाय अर्ली मैच्योरिंग, ठीक है। तो वो क्या है, जब होस्ट जो है वो स्टेज से क्विकली पास हो जाता है जब मतलब अर्ली मैच्योरिंग, होस्ट में भी पास थ्रू द ससेप्टिबल, मतलब जो ससेप्टिबल स्टेज आ रहा है जिसमें हम लोग को डैमेज ज़्यादा मिल रहा है उस स्टेज से वो बहुत जल्दी पास हो जाएगा, या तो इवेड इंजरी, उसी को बोलते हैं होस्ट इवेशन। दिस पर्टेन टू द होल पॉपुलेशन ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो होस्ट इवेशन क्या है कि द होस्ट मे पास थ्रू द मोस्ट ससेप्टिबल स्टेज क्विकली और एट टाइम और लेस और इवेड इंजरी बाय अर्ली मैच्योरिंग। फिर है इंड्यूस रेजिस्टेंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंट टेम्पोरली एज ए रिजल्ट ऑफ सम चेंज कंडीशन ऑफ प्लांट, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वायरमेंट सच एज चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट, मतलब इंड्यूस रेजिस्टेंट मतलब जैसे तुम बीमार हो या कुछ भी हो तो तुमको दवा दे के हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट तुम्हारे अंदर इंड्यूस कर रहे हैं। तो सेम है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंट टेम्पोरली एज ए रिजल्ट ऑफ सम चेंज कंडीशन इन्वायरमेंट सच एज चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब है इस्केप, है इस्केप है एब्सेंस ऑफ इन्फेस्टेशन और इंजुरी टू होस्ट प्लांट ड्यू टू ट्रांजिटरी प्रोसेस लाइक इनकम्प्लीट इन्फेस्टेशन। तो पहला है इकोलॉजिकल, होस्ट इवेशन मतलब उस एज से पास हो जाना, और इस्केप मतलब ये इंजुरी जो है एब्सेंस, इन्फेस्टेशन जो है ना सम ट्रांजिटरी प्रोसेस की वजह से वो
इस्केप ही कर जा रहा। तो ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंट है, जिसमें हम लोग इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट, होस्ट इवेशन, इंड्यूस रेजिस्टेंट और इस्केप के बारे में पढ़े। अब उसके बाद है जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंट, मतलब हेरिटेबल कैरेक्टर, जैसे कि जीन, जैसे मोनोजेनिक रेजिस्टेंट है वो सिंगल जीन कंट्रोल है, ऑलिगोजेनिक फ्यू जीन है, पॉलीजेनिक मेनी जीन है, मेजर जीन रेजिस्टेंट कंट्रोल बाय फ्यू मेजर जीन, जिसको वर्टिकल रेजिस्टेंट बोलते हैं, और माइनर में जब माइनर जीन कहते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, मतलब जब बहुत ज़्यादा जीन अगर रेजिस्टेंट को कंट्रोल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंट, और जब उसको कम जीन कर रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। बेस्ड ऑन बायोटाइप रिएक्शन, वर्टिकल रेजिस्टेंट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप और हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट ऑल बायोटाइप। ठीक है, तो वर्टिकल क्या हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक के लिए है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है पूरे के लिए है। तो अभी हम लोग कितना कुछ देखें, एक तो पढ़े कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट क्या है, फिर उसके टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट, होस्ट इवेशन, इंड्यूस रेजिस्टेंट, इसके उसके बाद है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीन, बेस्ड ऑन बायोटाइप रिएक्शन। ठीक है, अभी आगे हम लोग और भी देखने वाले हैं।